लो फोटो करो। जी सर, जी सर, हाँ शुरू करिए सर। सर क्या अभी आप लोगों ने क्या यहाँ पर आप बोल रहे ना? धर्मेंद्र मल्क जी मैडम पूर्ण कौशिक हैं, हम चारों आज यहाँ पहुँचे। जो घटना यहाँ पे घटी है वो बहुत ही हीनियस क्राइम है, बहुत जाति जो मंत्री है उसने उसके बेटे चार के साथ में और पत्रकार को शुरू किया। ये घटना एक अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए हम यहाँ पहुँचे हैं तो जो पीड़ित परिवार हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, उनका जो केसेस यहाँ पे चल रहे हैं उनकी कार्रवाई करने के लिए यहाँ एक वकीलों का अच्छा पैनल के गठन किया जा रहा है। ये दोषी है जो उसको सख्त से सख्त सजा मिले और दोषी जो अभी पकड़े भी नहीं गए वो भी पकड़े जाए। एविडेंस है जो इस केस में जो बहुत रेलेवेंट है, एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट हो। जो SIT गठन किया है, सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन ऑब्जर्वेशन दे रही है कि SIT बहुत ढीली चल रही है, काम नहीं कर रही है। इतने बड़े विटनेस हैं, हज़ारों लोगों का इकट्ठ है कि आपको 20-23 विटनेस ही मिले उसके अंदर। एविडेंस बड़ी तेज़ी से कलेक्ट की जाए, जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगी, चार शीट फाइल होगी, ट्रायल चलेगा, तभी हम समझेंगे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन पे आप बहुत प्रोलॉन्ग कर देंगे तो उसमें तो किस केस में रहेगा नहीं। क्रिमिनल केस की नेचर तो ऐसी है ना कि जितना ये प्रोलॉन्ग हो जाता है उतना वीक हो जाता है। इसलिए हमारी टीम यहाँ पे आई है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, SIT अच्छी तरह से काम करे, विटनेस है जो वो ज़्यादा और विटनेस SIT के आगे भी जाएं और पर्टिकुलरली 164 की स्टेटमेंट ज़्यादा विटनेसेस की हो, क्योंकि जिससे कोई बैकअप नहीं कर सकता। तो ये सब देखने के लिए हम आए हैं। जो अक्यूज है अभी वो जो मेन अक्यूज है मोनू, उसने बेल अप्लाई की है, उसका बेल का भी क्या ग्राउंड है? कोई ग्राउंड नहीं है। इतना बड़ा हीनियस क्राइम है, सारी चेन ऑफ इंसिडेंट है, एक एक हुआ पूरा जग जा रहा चीज़ हुई है, तो बेल का तो मतलब नहीं है। तो इसलिए उसको भी हमारे जो वकील में अपोज करेंगे, कोई और अक्यूज भी बेल अप्लाई करे उसको अपोज करेंगे और ये देखेंगे कि फ्री एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। आगे ट्रायल आता है तो हम तो ये बिलीव नहीं करते कि जहाँ पे BJP की सरकार हो और वो मंत्री वो भी स्टेट मिनिस्टर ऑफ आर होम उसका बेटा हो मेन अक्यूज, तो यहाँ कैसे भी फ्री ट्रायल हो सकता है? तो हम देखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाती है कि यहाँ पे जब तक वो मंत्री बाहर घूम रहा है, वो प्रेजुडिस भी कर रहा है ट्रायल को, इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, एविडेंस टेंपर होने का भी खतरा है, विटनेस को भी धमकी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन भी दी है, ये सारी चीज़ों को हम देखने के लिए आए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी हो जाए। जब तक मंत्री बाहर रहेगा, हमारी टीम का कहना ये है, यह ना फ्री इन्वेस्टिगेशन होगी, ना अच्छा ट्रायल होएगा और ना दोषियों को उस तरह सजा नहीं मिलेगी। इसलिए मंत्री का अवश्य है कि उसके खिलाफ 120 है वो फौरी अरेस्ट हो, रिजाइन भी करे, मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी टीम ये सारा करने के लिए है, हम इस केस को पूरी अपर लॉजिकल एंड लेके जाएंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और यहाँ ट्रायल हम समझेंगे जब तक मंत्री है निरपक्ष नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। इस ट्रायल को भी हम शिफ्ट आउट ऑफ UP कराएंगे, दिल्ली हो कहीं और, इसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो आज हमने काम शुरू किया है, हम मिल रहे हैं लोगों को और वकीलों को भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क बनाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई के अंदर चलेंगे, जितने मर्जी लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि प्राइमरली जो एजिटेशन है संयुक्त किसान मोर्चा की है। किसान शहीद हुए हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, खेती कानून के खिलाफ लड़ाई उस पर हुए हैं, इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं, पर इशू जो किसानों का है, जो फार्म लॉज उनका है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा हाँ बिल्कुल भरोसा भी देते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, या जिनको पुलिस कोई परेशान कर रही है, विटनेस हैं, तमाम कोई लोग अरेस्ट भी किए जा रहे हैं दूसरी FIR के लिए, उनको भी हम विश्वास दिलाए हैं
कि आप भूल जाओ संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है, ये उसी की एजिटेशन है, आपका कोई पर्सनल काम नहीं है, कोई जाति लड़ाई नहीं है। जब संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर एक साल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम आए हैं चारों आज इसको देखने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, पीड़ित परिवारों को भी, उनके बच्चों को भी, लोगों को, बिजनेस को भी, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि आओ तगड़े होकर आगे बढ़ो और एविडेंस ले आओ, कलेक्ट करो और एविडेंस टेम्पर ना हो जाए इसके ऊपर पहरा दो, इसके लिए हम आए हैं। बाकी दूसरे साथी ने मेरे बताएं इसका काम कर रहे हैं, एक पैनल जो यहाँ के वकीलों का वो कॉन्स्टिट्यूट करके जाएंगे रेगुलरली, वो इस केस को मॉनिटर भी करेंगे, कोर्ट में भी परसू करेंगे, बेल आई बेल के भी अपोज करेंगे, हर तरह का इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत एक मिनट लगाओ, दो बातें रहेगी, चलेगी चला लिया ना चलेगी ना। देखिए हमने यहाँ आके ये भी देखा है कि पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन जो है मंत्री को बचाने में लगा हुआ है। हमारे जो दो बच्चे जेल भेजे हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। कोई भी एक वीडियो पुलिस ये दिखा दे कि जिसमें हमारे लोगों ने हत्या की हो, ठीक है मारपीट हो सकती है, मारपीट की अलग धाराएं हैं, मारपीट अगर हुई है तो उसके बाद हमारे पास वीडियो है, हमने पुलिस को उनको सौंपा है, उनकी हत्या की जिम्मेदार पुलिस है, जो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ना कि हमारे बच्चों के खिलाफ, इसके लिए हम लड़ेंगे। और अगर यहाँ का प्रशासन इसी तरह से कार्रवाई करेगा तो वहाँ पर 10,000 लोग मौजूद थे, हम 10 के 10,000 लोग जिला अधिकारी कार्यालय या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठेंगे कि हम सबको जेल भेजा जाए। वो पुलिस की सुपुर्दगी में हत्या हुई है, वो किसी ने हत्या नहीं की है वहाँ पे, ठीक है उनकी जेल मारपीट हुई थी जो धारा बढ़ती है हमें मंजूर है, लेकिन 302 में हमारे बच्चे जेल रहे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये केस को इस स्टेज पर ले जाया जा रहा है कि जिससे हम लोग दबाव में आकर फैसला कर लें, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये बातें वकील साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बात नहीं।